भैया आप पहले कौन सा खेती कर रहे थे, कौन से फसल लेते थे? धान के फसल लेते थे। अभी गन्ना का ले रहे हो? हाँ। तो धान का फसल छोड़ने का क्या कारण है? नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो अपना मुख्य काम करते हुए भी खेती के माध्यम से किसी अन्य प्रकार के आय के स्रोत का खोज कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कैश क्रॉप की ओर जाना चाहते हैं, धान गेहूं चना के अलावा भी कुछ फसल करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में गन्ना उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। गन्ना दरअसल पपुआ न्यू गिनी नामक देश की देन है जो इस विश्व को मिली है। कुल 114 देशों में गन्ना और चकुंदर मात्र से ही शक्कर बनाया जाता है। भारत देश में केवल शक्कर गन्ने के माध्यम से ही बनाई जाती है, और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है हमारा, वो उत्तर प्रदेश है। गन्ना दरअसल भारत देश में दो मौसमों में उगाया जाता है, शरदकालीन गन्ना और बसंतकालीन गन्ना। इसके साथ साथ इसमें सह फसल भी ली जा सकती है, जैसे लहसुन, अदरक, उड़द, मूंग, लोबिया, भिंडी इत्यादि, आप यह सह फसल भी ले सकते हैं। दोस्तों 2020-2021 में चीनी का उत्पादन 4018 लाख टन हुआ था, और आप अच्छे से परिचित हैं कि इस समय कोरोना की महामारी चल रही थी। ये जो उत्पादन था वो उसके पिछले साल के उत्पादन से 7.7% ज़्यादा था, यानी कि कोरोना महामारी के चलते हुए भी गन्ने से और गन्ना और गन्ने संबंधित उद्योगों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, बल्कि बढ़ावा ही मिला है। भारत का जो चीनी उद्योग है, जो कि पूरी तरह से गन्ने पर निर्भर है, वर्तमान में लगभग 80,000 करोड़ रुपये का है। 2022 से 2027 तक लगभग 5.2% के CAGR की दर से बढ़ने वाला है। वर्तमान में लगभग 50 मिलियन गन्ने के कृषक हैं, और चीनी उद्योग के माध्यम से 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। मेरे ख्याल से दोस्तों ये डेटा आपके गन्ने की खेती के प्रति झुकाव के लिए पर्याप्त है। आज हम मिलने वाले एक ऐसे ही गन्ने कृषक से जिन्होंने लंबे समय से धान की खेती करते हुए उस खेती को छोड़ के गन्ने की तरफ अपना रुख मोड़ा है। आज हम उनसे जानेंगे कि उनके गन्ने की खेती के बारे में क्या अनुभव रहे हैं, उन्होंने क्या नई सीख लगी है, और उनको क्या लगता है उनकी आय में कैसी बढ़ोतरी हो पाएगी। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन को जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, आपका परिचय दो हमको। मोर नाम पांचूलाल ध्रुवहरे, ग्राम पंडरीपनी, जिला धमतरी सुमे। अच्छा, अभी कौन सा खेती कर रहे हो? गन्ना खेती। भैया मेरे को बता देते, कोई ये गन्ने खेती करना चाह रहे हैं तो वातावरण मौसम किस टाइप के रहने चाहिए? नहीं, एकदम 40-45 डिग्री का मौसम रहना चाहिए, एकदम अधिकतम मैंने 15-20 डिग्री के तापमान रहना चाहिए, नीचे नीचे 15-20 और अधिक 40 डिग्री तक। अच्छा, ये जैसे मट्टी किस टाइप का है भैया, जैसे आप लगाए हो किस टाइप का मट्टी में लगता है गन्ना खेत? ये काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है। अच्छा, आप कौन से वाले में लगाए हो? जो बलुई मिट्टी है। बलुई मिट्टी है, और देख के फसल आपका तो ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा फसल आया है। ये कितने महीने की फसल है भैया जिस हम लोग जो देख रहे हैं? ये अभी लगभग 4 महीने हो गए हुई है। अच्छा, मात्र 4 महीने की फसल है। भैया ये जो वैरायटी अपन लगाए हैं, ये क्या वैरायटी है? 085। 085, तो ये कितने महीने का फसल है भैया, क्या है लाइफ इसका? अब भैया लगभग 4 महीने हुआ है अभी। अच्छा, और कितने महीने का फसल है? 11-12 महीने की फसल है, लगभग 1 साल की फसल। लगभग 11-12 महीने एक साल। अच्छा, तो जैसे किसी को लगाना है भैया, तो 1 एकड़ में ये कितना लगा है, क्या वजन कुछ ऐसा लगा है कि ना आप कैसे, कितना मेरे को कितना चाहिए रहेगा 1 एकड़ में लगाने? 1 एकड़ में 20 क्विंटल लगेगा है। 1 एकड़ में लगाने के लिए। भैया आप पहले कौन सा खेती कर रहे थे, कौन से फसल लेते थे? धान के फसल लेते थे। अभी गन्ना का ले रहे हो? तो धान का फसल छोड़ने का क्या कारण है? धान के फसल में अब्बड़ अकन लागत आ रही है, दवाई पानी खदू कचरा में ज़्यादा लागत आ रही से, ओकर से मुनाफा हमला ज़्यादा नहीं मिलत रही से, जैसे सती ने फसल परिवर्तन में जब सरकार खेल कहा कि फसल परिवर्तन करो, फसल परिवर्तन कही है कृषि विभाग के अधिकारी मन बताई कि फसल बदलो, इसी तब के दे कारण से गन्ना की फसल लगाऊ हूँ। भैया ये है जैसे गन्ना के फसल हम ले थन, तो एक साथ साथ कोई और फसल सह फसल भी ले सकथन का? हाँ, बहुत ले सकते हैं, बार बाकी में तभी फसल नहीं ले, दूसरा फसल का साथ साथ हो सकते हैं, एक दूसरा फसल हो। अच्छा, जैसे का लगा सकते हैं? जैसे उड़द है, मूंग है, दलहन टाइप के, दलहन तिलहन फसल में हो सकते हैं। भैया जैसे अब गन्ने की फसल हमको लेना है, खेती करना है, कैसे खेत तैयार करेंगे? पहले अब दो नांगर से जोतई करना है, और बाद में अब ढेला आ जाता है, इसमें सामान जोतई करते हैं, इसके बाद में सीधा नाली बना देते हैं, 3-3 फीट के नाली की दूरी।
भैया जैसे अब हमको गन्ना का खेती लगाना है तो कौन सा मौसम या कौन सा माह सही रहता है ये बताओ, कौन से महीने में लगाया जाए? यह दिसंबर जनवरी से चालू हो जाता है, जनवरी फरवरी तक लगाते हैं इसमें। अच्छा, जनवरी फरवरी तक जा सकते हैं, दिसंबर से अपन शुरू कर सकते हैं मौसम के हिसाब से। अच्छा, तो भैया जैसे ये गन्ने का खेती है तो इसमें क्या कितना लेबर का जरूरत कितना पड़ता है? बहुत ज़्यादा लेबर जरूरत पड़ता है, कैसे पड़ता है ये बताइए। नहीं, इसमें ज़्यादा लेबर की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ता है, तो 4-5 लोग ही बहुत लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ धान का जो फसल लेते हैं उससे कम पड़ता है कि ज़्यादा पड़ता है? नहीं, इसमें कम पड़ता है, धान के फसल से कम पड़ता है। धान फसल से कम पड़ता है। ये पौधे से पौधे का दूरी और लाइन से लाइन का दूरी क्या रखते हैं भैया? पौधे से पौधे कैसे दूरी रहते हैं? 1 फीट, और लाइन से लाइन की दूरी है 3 फीट कह दे। 3 फीट। अच्छा, अब एकदम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ भैया कि इसमें कितना उत्पादन हो जाएगा, क्या लागत लग रहा है, उस हिसाब से क्या आप लगता है आपको क्या मुनाफा होगा? अब उत्पादन में 400-500 क्विंटल इसमें आ जाएगा, इसे उत्पादन आ जैसे हम अनुमानित थे। अच्छा, और इसका बुआई से लेके आपको कटाई तक क्या लागत आ जाएगा, क्या लगता है सब? लागत इसमें 30-35 हज़ार के लगभग आ जाएगा, मैं कटाई से लेकर लगाई यानी पूरा फैक्ट्री लेके तक कैसे अनुभवी थे हम लोग। अच्छा, तो 500 क्विंटल होगा, 35 हज़ार रुपये लगभग आपका वो आ जाएगा। और जैसे आप इसको बेचोगे तो क्या रेट मिलता है भैया? अभी यानी क्विंटल में अभी 350 लगभग। 350 लगभग, तो उस हिसाब से हो गया ये 1,75,000 रुपये के आसपास ये लगभग इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 35,000 आपका लागत भी काटे तो 1,40,000 के आसपास आपको यानी उस हिसाब से मुनाफा। सही बोल रहा हूँ ना भैया? हाँ सही है ना, है ना। तो अभी देखे भैया हम लोग गन्ना उगा लिए हैं, अभी बेचते कहाँ हो आप लोग, बेचने का क्या जुगाड़ है इसका? इसका जुगाड़ तो अपना फैक्ट्री में ही लगेंगे इसको, शक्कर फैक्ट्री। शक्कर फैक्ट्री, शक्कर फैक्ट्री वाले लोग भी कुछ ऐसा आपको मार्गदर्शन देते हैं क्या कि ऐसे लगाओ ये लगाओ? उन्हीं के मार्गदर्शन में लगे हैं। अच्छा, शक्कर फैक्ट्री के मार्गदर्शन लगे, यानी बेचने का भी निश्चिंत हो आप लोग, बेचने का भी कोई चिंता नहीं, उन्हीं के मार्गदर्शन में लगा है, उगे होगा उन्हीं के पास बेच देंगे, उन्हीं के पास बेच देंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया भैया। जैसे कोई अब आदमी अपना पुराना खेती जैसे धान वान का खेती छोड़ के गन्ने का खेती करना चाह रहा है तो क्या सावधानी रखे मुख्यतः, ये बताओ मेरे? क्या सावधानी रखी है? मैं लगे ही अच्छा तब के अब जंगली जानवर में सब परेशान करते थे, झटका मशीन लगा सकते। अच्छा, आप में लगाए झटका मशीन? हम लगा हन। अच्छा, और खेत वेत पर का सावधानी रखे? खेत में का है एकदम जैसे धार जमीन है जाते ज्यादा पानी भरा हुआ थे वो खेत में मत लगा, जो सूखी जमीन थे जो डिफर टाइप के रहते ते जमीन में ज्यादा सुटेबल करते है। अच्छा, वो जमीन में लगा, पानी भरे रहेगा तो अंकुरन सही नहीं आएगा, सड़ भी जाएगा जड़। अच्छा अच्छा, और ये बहुत रोग वोग बहुत आता है क्या? नहीं, रोग नहीं आए, मैं एक ही बार ही दवाई लगते तो नहीं लगी। अच्छा अच्छा, तो यानी सिर्फ खेत को सही तैयार करना ही हमारा मुख्य सावधानी है? वो भी मुख्य सावधानी है। अच्छा अच्छा, ठीक भैया, इतनी कीमती जानकारी के बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद।